मेरठ से भी खबर आ रही जहां पर एक सार्वजनिक शौचालय की छत गिर गई है। प्राथमिक स्कूल के पास में लेंटर गिरा है। हल्की बारिश में ही ये लेंटर गिर गया। 3 महीने पहले ही अभी बनकर के तैयार हुआ था ये लेंटर। मेरठ के अंदर जिस तरीके से ये लेंटर गिरा है, ठीक वैसे ही जैसे कि गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट के अंदर लेंटर गिरा था, छत गिरी थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही 3 माह पूर्व ही बनकर के ये सार्वजनिक शौचालय तैयार हुआ है और आज ध्वस्त हो गया, वो भी सर्दी के मौसम की बारिश में ध्वस्त हो गया, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा इस तरह भ्रष्टाचार का ऐसे तमाम योजनाओं में। और फिर भी कहा जाता है कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, भ्रष्टाचार जीरो पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, कहीं पर कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है, गुंडे थर थर कांपते हैं, सारी चीज़ें बहुत परिपक्व तरीके से ईमानदारी से हो रही हैं। दो हादसे, हालांकि अच्छी बात, राहत की बात ये रही, कल का जो बड़ा हादसा हुआ उसमें तो 25 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, आज का जो हादसा हुआ उसमें अच्छी बात यह है कि किसी के जाने नुकसान की खबर नहीं। हमारे सहयोगी सलीम फुलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। और सलीम, आप जिस तरीके से यह हादसा हुआ, सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि हादसा हुआ कैसे और क्या उसके नीचे कोई शख्स दबा तो नहीं? जी, मैं आपको बता दूं, ये मेरठ के सतना तहसील का मामला है, जो सार्वजनिक शौचालय बनाया हुआ था, इसमें कोई अभी इसका अनावरण नहीं हुआ था, अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ था। गनीमत यह है कि इस शौचालय के बाहर जो नीचे कोई भी बैठा हुआ नहीं था, इसके आसपास कोई नहीं था, जो बड़ा हादसा हो सकता था, जैसे मुरादनगर में हुआ है, 22 लोगों की जान जा चुकी है, बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से आज 22 लोगों का शव रखकर जो हाईवे पर रखा गया और लंबा जाम रहा पूरे दिन, उनकी बड़ी मांग रही, हालांकि कानूनी कार्रवाई भी हुई है, 3 लोगों के खिलाफ अरेस्टिंग भी हुई है, लेकिन अभी सरकारी जो इमारत है उसके बाद में लगा था जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन जीरो टॉलरेंस जैसी बात कोई हालात सरकारी उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा दे रहे हैं। सलीम, वजह क्या बताई जा रही है कि अभी शौचालय अभी हाल फिलहाल में बना था, इसकी छत अचानक गिर जाती है, इसके पीछे का तर्क क्या दिया जा रहा है? इसमें तर्क ये दिखा, मैं आपको बता दूं, इसमें सरकारी जो सामग्री थी वो बहुत ही घटिया लगाई गई थी, और इसमें बालू रेत की जो मात्रा है वो ज्यादा थी, वो सीमेंट जो था वो बहुत ही कम मात्रा में था, इसकी ये मुख्य कारण रहा है कि ये जो ठेकेदार होते हैं ये बहुत ही कम मात्रा में इसका जो सीमेंट होता है बहुत कम मात्रा में लगाते हैं, जिसके कारण ये जो लेंटर है, जो निर्माण कार्य होता है वो गिर जाता है और ये बरसात का पानी सह नहीं पाते। जी, क्या इस पर कोई जांच वांच बिठाई गई है, जांच कमेटी, कोई कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के जिनके जिम्मे था या कॉन्ट्रैक्ट देना, उन लोगों के खिलाफ में कोई कार्रवाई होनी है, होगी? सदर तहसील में जिस तरीके से ये वारदात हुई है, ये घटना हुई है, उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी को का मानना है कि इसमें कोई जांच की जाएगी और जो आरोपी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये सब मिली भगत होती है, कानून के जो काम होते हैं वो सिर्फ कागजी कागज में हो रहे हैं। हालांकि एक शौचालय की कीमत 12,000 रुपए दी गई थी और सूत्रों के हवाले से माना जाए तो 8,000 रुपए में सारा कुछ ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारी मिली भगत करके ईओ और जो चेयरमैन होते हैं सब ऊपर से लेकर नीचे तक सब खाते हैं, लेकिन काम का कोई भी अच्छा नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलीम सैफी इन तमाम जानकारी के लिए।